For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamualaikum, मेरा नाम डॉक्टर मरियम है. मैं FCPS जनरल सर्जन हूँ और फिर मैंने शोकथानों में फर्दर फेलोशिप की है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से. ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है. बहुत ज़्यादा केसेस सामने आना शुरू हो गए. इतने ज़्यादा केसेस हम पहले नहीं देखते हुआ करते थे. उसकी बहुत सारी वजूहात हैं. हमारे यहाँ जो कैंसर देखने में आता है बहुत एडवांस स्टेज में होता है. मतलब बीमारी स्टेज 3-4 में पहुंच गई होती है जब मरीज आता है डॉक्टर के पास, जो कि एक बहुत गलत है. क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेज आगे बढ़ जाती है उतना इस बीमारी को सही करना, उतना मरीज़ का इलाज करना मुश्किल हो जाता है, उतना इलाज के ऑप्शंस कम हो जाते हैं. जितना जल्दी आपको अपने ख़वातीन के हवाले से मैं कह रही हूँ, जितना जल्दी आपको अपने ब्रेस्ट में कोई गिल्टी, कोई तब्दीली, निपल से खून या पानी निकलना, कोई ज़ख़म कुछ भी महसूस होता है जो कि नॉर्मल ना लगे आपको, वो आप फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखाएं. जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपका इलाज हो सकेगा. हेमरॉइड जो है वो नसों के गुच्छे को कहते हैं, जो कि कब्स उमूमन जो लोगों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, उसकी वजह से ये नसों के गुच्छे खिंच के बाहर की तरफ आ जाते हैं और जिल्द के साथ मिलकर ये बवासीर या हेमरॉइड जो कहा जाता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. दो तरह के होते हैं, इंटरनल हेमरॉइड और एक्सटर्नल. दोनों ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है. हम अगर ग्रेडिंग की बात करते हैं तो 1 और 2 जो होते हैं यूजुअली इंटरनल होते हैं, बाकी एक्सटर्नल हेमरॉइड होते हैं क्योंकि इसमें स्किन का कॉम्पोनेंट आ जाता है. दोनों तरह के हेमरॉइड जो हैं वो इलाज हो सकता है उनका. डिफरेंट ऑप्शंस हैं हर तरह के हेमरॉइड को ट्रीट करने के लिए, लेकिन दोनों तरह के हेमरॉइड का सर्जिकली इलाज कर सकते हैं. हर्निया अगर आम जुबान में कहा जाए तो जिस्म की जो आपकी स्पेशली जो पेट की दीवार होती है उसमें अगर कोई कमजोरी आ जाए और सुराख हो जाए तो वहाँ से इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे आपकी आंतें हैं या पेट की एक झिल्ली होती है चर्बी से बनी हुई जिसे मेंटम कहते हैं, वो उस थैलिस नोमा स्ट्रक्चर की तरह से बाहर की तरफ आ जाते हैं उस सुराख में से, उसको हम हर्निया कहते हैं. हर्निया का कोई भी मेडिकल इलाज नहीं है. आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, या तो आप उससे बच सकते हैं या अगर हो गया है तो आपने उसकी सर्जरी करानी है. हर्निया की सर्जरी में हम जो देखते होते हैं यूजुअली उसमें 2 ऑप्शन होते हैं. अगर आप जल्दी वाली पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपके पास इलाज के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं. जैसे एक जाली होती है जिसे हम मैश कहते हैं, वो इलेक्टिव सर्जरी में तो लगाई जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपका हर्निया उसमें आंत थी और वो फट गया है और आपकी इमरजेंसी में सर्जरी हो रही है तो इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होने की वजह से मैश इमरजेंसी सर्जरी में नहीं लगाया जाता. मैश का मतलब ये है कि आपके पेट की दीवार के और सुराख के ऊपर एक एक्सटर्नल जाली लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो दीवार मजबूत हो जाती है और हर्निया दोबारा होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं. उनकी वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मौजूद है, प्लस मैडम की टीम जो है उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद होते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट्स अरेंज करवा के दे सकते हैं.